इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एलिमेंटर प्रो वर्जन के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसान दानिश। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर बात की थी एलिमेंटर के अबाउट, और एलिमेंटर के तमाम ऑप्शंस मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर बताए थे। इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एलिमेंटर प्रो वर्जन के अबाउट, जो कि एक्स्ट्रा आपको पे करके लेना पड़ता है, जिसके ज़रिए आप कुछ नए फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। वो फीचर्स क्या हैं, उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनके क्या फ़ायदे होंगे, आज के लेक्चर में हम जानेंगे। चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो जी, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अभी अगर मैं, हमारे पास एक बेसिक सी वेबसाइट है, मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर, तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते प्रो फीचर के अबाउट, प्रो फीचर के बगैर। उसके बाद हम एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हमारे पास एक्टिवेट आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ऑप्शन है प्रो का। नॉर्मली आप ये विजिट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते थे कहीं पे भी। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है तो ये विजिट मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। बट ये वाले जो विजिट्स हैं, जैसे पोस्ट का, पोर्टफोलियो का, गैलरी का, फॉर्म का, लॉग इन, स्लाइड्स, एनिमेटेड हेडिंग्स, प्राइसिंग टेबल्स, इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रो वर्जन के अंदर हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं ये वाले, इनको भी आगे चल के हम यूज़ करेंगे, जो कि थीम बिल्डर के अंदर होंगे। ये वाले ऑप्शंस भी लॉक्ड हैं, प्रो वर्जन के अंदर हमें मिलते हैं ये ऑप्शंस। उसके अलावा वूकॉमर्स के कुछ ऑप्शंस हैं, ये भी हमें प्रो वर्जन के अंदर ही मिलते हैं। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और हम चलते हैं लैपटॉप के अंदर और यहाँ पे चलते हैं अपने प्लगइन्स के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ एलिमेंटर प्रो, मैं इसको सिंपल एक्टिवेट कर देता हूँ। आप ये बाय कर सकते हैं इसका लाइसेंस। तो ओके, हम आ चुके हैं यहाँ पे और मैं इसको रिलोड करता हूँ क्योंकि मैंने अभी एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ये लोड हो जाए। ओके, तो ये लोड हो चुका है। अब मैं अगर थोड़ा सा स्क्रीन पे नीचे की तरफ जाऊं तो यहाँ पे देखें, ये जो प्रो फीचर्स हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं इसके एंड में एक और सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक टेबल, प्राइसिंग टेबल लेट्स से यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, एक अच्छा सा प्राइसिंग टेबल जो है हमारे सामने आ चुका है। तो इस तरह से हम, क्या आपने अक्सर वेबसाइट्स पे इस तरह के प्राइसिंग टेबल्स देखे होंगे, तो इस तरह से ये प्राइसिंग टेबल है इसकी, उसी तरह से जैसे हम एलिमेंटर के अंदर यूज़ करते हैं। स्टाइल, कंटेंट, कंटेंट एडिशन, डिलीशन, जो कुछ भी यहाँ से चेंज करने आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टाइलिंग है, इसकी कलर्स, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें आप स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, और एडवांस का ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे ये सारे फीचर अनलॉक हो चुके हैं क्योंकि हमने क्या किया है, सिंपल एलिमेंटर प्रो है वो इंस्टॉल कर लिया है। एक और विजिट हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला है, तो इसको मैं एक और सेक्शन लेके, जैसे मैं इसको इसके नीचे ही डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह की हेडिंग्स हैं, हाईलाइट, सर्कल, अंडरलाइन, ठीक है, मतलब एक अच्छी सी एनिमेटेड हेडिंग्स जो हैं वो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये वाले सारे ऑप्शंस हैं। तो पहले तो आपको पता चल गया कुछ विजिट्स जो हैं वो ऑल अनलॉक हो जाते हैं एलिमेंटर प्रो यूज़ करने के बाद। तो दूसरी जो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसे हम कहते हैं थीम बिल्डर, एलिमेंटर का थीम बिल्डर। इसके ज़रिए आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब आप वेबसाइट का कोई भी कोने को टच कर सकते हैं, हेडर बना सकते हैं, फुटर बना सकते हैं, कस्टम पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास देखें टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास थीम बिल्डर है। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस में आऊँगा यहाँ पे, तो हमारे पास जब हम प्रो वर्जन एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये टेम्पलेट्स भी हमें अवेलेबल हो जाती हैं। ये जो प्रो वाली टेम्पलेट्स हैं इनको भी हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं अगर हम कोई और थीम यूज़ नहीं करना चाह रहे। ओके, तो हम आ चुके हैं थीम बिल्डर के अंदर। यहाँ पे देखिए, आप हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं, फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंगल पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंगल पेज, आर्काइव, 404 पेज, मतलब सारी चीज़ें कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं आप तो इसको यूज़ करते हुए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको मज़ीद आपने एक्सप्लोर करना है, कस्टम हेडर बनाना है लेट्स से, तो हम क्या कर सकते हैं,
हेडर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से हेडर सेलेक्ट करके। करेंटली हमारा हेडर कुछ इस तरह से है, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी के हेडर बनाएं, जैसे मर्जी चाहें एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन करके, और वो डायनामिकली तमाम जो है पूरी वेबसाइट पे नज़र आए, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल कैनवास आ गया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह के हेडर बनना चाहिए, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे चले मैं इसको एक बार डुप्लीकेट और कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ साइट का लोगो है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ साइट का मेनू है, नेविगेशन बार, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं प्राइमरी नेविगेशन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई बटन आए, या लेट्स से आइकन, यहाँ पे सर्च कार्ट का आइकन है, और इसको मैं एक और बार अगेन डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लूँगा, मतलब अपनी मर्जी से हम जो चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं बटन लगा देता हूँ, लेट्स से यहाँ से बटन उठा के शॉप, और इसको मैं ज़रा राइट कर देता हूँ। ओके, तो ये अब इसको मैं जब पब्लिश करूँगा, यहाँ पे कंडीशंस आएंगी, यहाँ पे एंटायर साइट, और मैंने सेव कर दिया। अभी करेंटली मेरी वेबसाइट का नेविगेशन इस तरह से था, तो मैं अब अपनी वेबसाइट को देखूँ तो जो नेविगेशन मैंने बनाया था वो यहाँ पे डायनेमिकली तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने बेसिकली जल्दी से एक छोटा सा नेविगेशन बनाया था जैसे आपको समझाने के लिए, राइट। अब मैं इस नेविगेशन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं वापस जाऊँगा अपने थीम बिल्डर के अंदर, और इस हेडर को डिलीट कर दूंगा। जो मेरा डिफ़ॉल्ट थीम से हेडर आया था वो वाला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप सारी चीज़ें कस्टमली डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे, अगर आप टेम्पलेट को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, राइट। अब मैंने वो डिलीट कर दिया, इसको मैं रीलोड करूँगा तो वही जो डिफ़ॉल्ट आएगा हेडर वो यहाँ पे है। इसी तरह से आप फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं, ये वाला, सारी चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक, राइट। तो आई होप आपको समझ आई होगी एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है और किस किस तरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर करेंगे बाय करके, और आपको बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी, और बहुत सारी जगहों पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि एलिमेंटर प्रो को किस तरह से यूज़ करना है। मज़ीद इसको जब यूज़ करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।